सरकारों का काम हमेशा ही होता है, कोई भी सरकार होवे उहदे खिलाफ जे कोई आवाज़ उठती है तो उन्हें दबाउण वास्ते वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जाणगे। जिहड़ी कौम ने आज़ादी लड़ाई दे विच 85-90% कुरबानियां दित्तियां, सब तो ज़्यादा फांसी ये चढ़े, काले पैन सजावां इन्हां नूं मिलियां, चाइना पाकिस्तान नाल जंग दे विच सब तो ज़्यादा कुरबानियां इन्हें दित्तियां, वो कौम जिहड़ा 26 जनवरी का फंक्शन है उन्हें किवें डिस्टर्ब कर सकती है। दुनिया दे विच एक रिकॉर्ड कायम हो गया, मैं बार बार कहना कि गुरु साहब की कला वरत रही है, आई मीन फ्रॉम डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट, ये गुरु साहब की कला वरत रही है, शहीदा सिंह का पहरा इतने, अदरवाइज इतने किसी चीज़ की कमी नहीं छड़ी। जो लंगर मतलब लंगर आम दाल रोटी का लंगर नहीं, पिनिया के लंगर, बदामों के लंगर, बदाम वाले दुध के लंगर, जूस के लंगर, लोइया के फैक्ट्रिया के लेबर मजदूर तो आम गरीब गुरबा वो उत्थे लंगर खाते हैं, दवाइया लेंदे मुफ्त दी जी मिलती हैं, दवाइया का लंगर लग्या होया, डॉक्टर चैकअप करके दे रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं उन्होंने मुफ्त, वो कहते भी असं प्रार्थना करते हैं भी ये जान ना इतों। साढ़े किसान लीडर साढ़े बजुर्ग मोर्चे लाते लाते बजुर्ग हो गए, समस्या उत्थे दी उत्थे, हर 4-6-10 साल बाद फिर एक समस्या खड़ी है, इहदा परमानेंट सोल्यूशन की है। जो तुहाडे कोल आ सिस्टम होया तुहाडी डीसी भी सुनूगा, मुख्यमंत्री भी सुनूगा, प्रधानमंत्री भी सुनूगा, हुण सारे एक हो गए, सरकार कहण लग पई कि असीं तुहाडियां उहदे तरमीमां करन नूं तैयार आ, पहले तरमीमां वास्ते भी राजी नहीं सी, ठीक है हुण जित ते अड़े आ, वो आपदी जित ते अड़े आ, ये कहिंदे वी तिन्ने कुन्नू वापस लो। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन टीवी, तो मैं हाँ मनीषा। किसानी संघर्ष की गल करिए अलग अलग वर्गों के लोग आके अपना समर्थन इस विच दे रहे हैं, तो ही कलाकार भाईचारा भी इस विच पूरा मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के खड़ा है। इस समय साढ़े नाल कलाकारी मंच तो एक सर ने जिन्हों का नाम है ढिल्लो, सो सर अपने बारे जरूर दसो दर्शकों। हाँ जी, मेरा नाम है जी मंगल ढिल्लो। एक्टर भी ने, प्रोड्यूसर भी ने, मूवी डायरेक्टर भी ने, मैं तुम्हें पहले ही दसदा। सो अज सिंगू बॉर्डर आए हैं किसानी प्रति अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए। सर तुम आए हो, रस्ते देखा होना किमें बीबिया बच्चे सेवा कर रहे हैं, है ना, बट शरारती अंसरा वालों लगातार यह खबर आ रही ने, यह अफवाह फैलाई जा रही ने कि इतने लोगों को गुमराह किया जा रहा है, वो अपनी मर्जी नाल नहीं बैठे, तो इतने आतंकवादी खालिस्तानी यह शब्द जो किसानों के लिए वरते जा रहे हैं, कि लगता कि वो लोग ने। देखो जी, ये साड़ी बहुत वड्डी विडंबना है, ट्रेजडी है, सरकारों का काम हमेशा ही होता है, कोई भी सरकार होवे उहदे खिलाफ जे कोई आवाज़ उठती है तो उन्हें दबाउण वास्ते वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जाणगे। सो मैं एक जिहड़ा कन्फ्यूजन पिछे जे क्रिएट किया गया 2-3 दिन पहला ही 26 जनवरी लैके, साढ़े कुछ नौजवानों ने जोश आ के कहा कि असी लाल किले झंडा गड्डांगे, असी संसद दे विच वड़ जांगे, तो सरकारों को की चाहिए होंदा, आ चाहिए होंदा बहाना, हाँ उहदा पहले ही इल्ज़ाम ला रहे हैं भी ये वक्खवादी है, खालिस्तानी है, ये बिचौलीए है, ये विपक्ष के मिसगाइड किए हुए लोग है, किसान नहीं है। जो इन्होंने अपना मैप ही देता कि असी तो इतों इतों जावे, फिर लड़ाई किस गल की, कन्फ्यूजन किस गल का। पंजाब ने, मैं मौलाना आजाद का रोल किया, उन्होंने एक किताब लिखी सी इंडिया विंस फ्रीडम एट मिड नाइट, उन्हें कहा जी सिखा ने 85% कुरबानियां दित्तियां आज़ादी लड़ाई दे विच, आप सारे जानते हैं। जिहड़ी कौम ने आज़ादी लड़ाई दे विच 85-90% कुरबानियां दित्तियां, सब तो ज़्यादा फांसी ये चढ़े, काले पैन सजावां इन्हां नूं मिलियां, चाइना पाकिस्तान नाल जंग दे विच सब तो ज़्यादा कुरबानियां इन्हें दित्तियां, वो कौम जिहड़ा 26 जनवरी का फंक्शन है उन्हें किवें डिस्टर्ब कर सकती है। ये वैसे निराधार गल है, जोश दे विच आ के साडे इलैक्शन दे साडे अपने लीडर जिन्हों चुनावी बुखार चढ़िया होंदा, आप की कुछ बोलते होंगे, ये एक दौर हुंदा, बंदा जोश दे विच आ के कहता, कानूनी तौर पर उहदी की वैल्यू है, कोई कागजी तौर पर उन्हें लिख के दिता कि नहीं, जोश दे विच साडे आही लीडर जिहड़े हुण मैं नाम नहीं लऊंगा, जिहड़े हुण टॉप पोस्टां ते बैठे है, इन्हां ने स्पीचां कढ के वेलो की कुछ बोलते सीगे, तो आप ही ये पत्रकारों नूं कहिंदे आ नहीं वो चुनावी बुखार था, आदमी जब बहुत बुखार चढ़ जाता है तो अनाप शनाप बकने लगता है, जब बुखार उतर जाता है तो ठीक हो जाता है, ठीक है। वो नौजवानों जोश आ के कहा कोई बंदा संसद में नहीं बढ़ रहा है, मेरे हिसाब ना, मैं गलत हो सकता, बिल्कुल सही कह रहे, कोई नहीं बढ़ रहा, कोई बंदा जिहड़ा ना लाल किले ते फंक्शन दा उन्हूं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लखां दी तादाद दे विच साडे किसान नौजवानों ने आना है, ट्रैक्टर लैके आना है, उन्होंने एक परेड करनी है, ठीक है, तिरंगे झंडे लगे होने हैं, नारे लगने, भारत माता की जय, ठीक है, किसानों की जय जवान जय किसान,
उन्होंने पूरा गिड़ा लाना परिक्रमा करनी दिल्ली की तो आपदे आपदे मोर्चे पर पहुँच जाना ये की समस्या बई साफ ही किया गया कि बहुत ही शांतमई तरीके से कहना कोई हुल्लड़बाजी नहीं करनी ये एक इतिहासिक लहर है दुनिया के एक रिकॉर्ड कायम हो गया मैं बार बार कहना कि गुरु साहब की कला वरत रही है आई मीन फ्रॉम डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट ये गुरु साहब की कला वरत रही है शहीदा सिंह का पहरा इतने अदरवाइज इतने किसी चीज़ की कमी नहीं छड़ी जो लंगर मतलब लंगर आम दाल रोटी का लंगर नहीं पिनिया के लंगर बदामा के लंगर बदाम वाले दुध के लंगर जूस के लंगर लोइया के लग रही ने कहते हैं इन्हों फंड कितों आ रहे हैं ये जो लंगर ने इन्हें तो सवाल चके जा रहे हैं मैं ये नोट कर रहा मैं इतने शूट कर रहा एक डाकूमेंटरी इतिहासक पक्षों पिछली पिछोकड़ लैके जो मौजूदा दौर है इनू लैके बड़े निरीक्षण करके निरीक्षणात्मक तरीके होगी डाकूमेंटरी निरपक्ष उस कोई पक्षपात नहीं होगा मैं उत्थे वेखन लग्या कि जो लोगों ने मैं उन्होंने डाटा इकट्ठा करना सी क्योंकि मैंने लग्या भी सारे ज्यौदे बंदे है जोड़े बिना बुलाए लंगर लाई बैठे है हुण मैं पिछली बारी आया सी ते मिलिया वो कलकत्ते तो आए कहिंदे सुखमणी साहब का पाठ कर रहे सी अरदास कीती हुक्मनामा लिया तो हुक्मनामा इहो जिहा आया कि सानू प्रेरणा मिली गुरु साहब कह रहे जाओ कहिंदे चलो भाई वो इत्थे आ गए तो कहिंदे असीं इत्थे लंगर लाया दो बदामा वाले दुध का लंगर वो उत्थे माइक ते अनाउंस कर रहे आ जाओ पी के जाओ दुध पी के जाओ तो मैं उन्होंने कहा तुसीं जबरदस्ती क्यों पिया रहे हो कहिंदे ढिल्लो साहब 300 लीटर जे पिया असीं खत्म करना मतलब साढ़े को रख्या खराब ना हो जाए मैं क्या आता कितों है कहीं सानू नहीं पता बंदा आता कि है कि चाहिए दे जाता कौन है कहीं पुछते हैं कहीं तुम्हें की लेना कोई बंदा आ कोई सोशल मीडिया से कोई स्टार है आ कि नॉर्मल एक वीडियोज़ आते जे स्टार बन जाते अजकल वह स्टार है कोई है टिकटॉक स्टार है वो कहना सू दुध दे जाता आके गड्डी लद के लिया आप इस तरह लोग लिया के उत्ते दे के जाते हैं कोई दुकाना वाले आटा दे गया कि चाहिए जी लोगों ने आपके घर खोले हुए है लोगों अपने घर बिठाया हुआ है जो लोग ने कहते दो टाइम की जी रोटी असं ढिड भर के नहीं खा सकते हूँ असं किसान करके जो सिख ने इतने बैठे उन्होंने करके असं तीन टाइम रोटी ढिड भर के खाने इतने फैक्ट्रिया के लेबर मजदूर तो आम गरीब गुरबा वो उत्थे लंगर खाते दवाइया लेंदे मुफ्त दी जी मिलती हैं दवाइया का लंगर लग्या हुआ डॉक्टर चेकअप करके दे रहे हैं टैसट कर रहे उन्होंने मुफ्त वो कहते भी असं प्रार्थना करते हैं भी ये जान ना इतों मतलब दे डोंट नो कि इन्हों की तो ट्रैजडी है तो वह कहते भी ये जान ना इतें ही रहन असं प्रार्थना करते हैं ये किसी वितकरे तो बिना खुआ रहे हैं ठीक है कोई वितकरा नहीं कर रहे जोड़ा आवे और खुले दिल ना खुआ रहे हैं मैं ये समझता है कि जोड़े बंद जी सोच है उन्होंने वो जी गल करनी है चोर तो सारे चोर नज़र आते हैं जे कोई लीडर या कोई बंदा यह जी गल करता है वो जहनीयत की प्रॉब्लम है सोच की प्रॉब्लम है ये सारे मातड़ किसान आपदे खर्चों आपदी ट्रालियां राशन लद के जिस हालात बैठे है मैं इन सारे जज्बे इन्हों की शिद्दत इन्हों के समर्पण इन्हों के अकीदे शत शत या एक कहाँ कि असंख नमन करदा है कि वो किन हालातों उत्थे गंदगी है मक्खियाँ है मच्छर है बदबू है पर उत्थे आदा ट्रालियां पे है पाठ करिए शाम में इत्थे रहरा साहब का पाठ करते हैं सफाई भी बहुत चंगी तरीके नौजवानी वालों की जा रही है आप हैं जी जी नौजवानी द्वारा जी सफाई है बिल्कुल कितने भी गंद नहीं है बहुत अच्छे तरीके हाँ सफाई जी है वो आप कर रहे हैं सफाई वह ध्यान रख रहे हैं है। ट्रैफिक नू आप कंट्रोल कर रहे हैं है। इन्होंने एक वक्रा पंजाब वसाया हुआ इतने वो हूँ किसान साढ़े हरियाणा वाले पंजाब आ गए भरा जे हरियाणे वाले है ये वो भी कह रहे हैं कि इन्होंने साडा छोटा भरा तो व्डा भरा मिलाता पानी पिछे लड़ा के पहले अड्डो अड्डी किए थे मुद्दा ही नहीं रहा गा हूँ इतने मैं वेख्या हरियाणे वाले सब्जी देंगे दुध देंगे लस्सी देंगे लकड़ा देंगे है वो सारे जिन्हें उत्थे बैठे है ये एक प्राप्ति है बट मैं इतने क्यों आया मैं इतने पहला आके बोल के गया कि इहदा परमानेंट सोल्यूशन की है साडे किसान लीडर साडे बजुर्ग मोर्चे लाउंदे लाउंदे बजुर्ग हो गए समस्या उत्थे दी उत्थे हर चार छः दस साल बाद फिर एक समस्या खड़ी है इहदा परमानेंट सोल्यूशन की है इहदा परमानेंट सोल्यूशन ये है कि असीं एक डेटा कलैक्शन का सिस्टम बनाने वास्ते लैके आए गए ये आए नहीं कि मैं सुते पे ने बना लिया एकदम मेरे दिमाग ख्याल आ गया ये असी एक बनाया सिस्टम कि इनू तुसी पिंड पिंड जिन्ने नौजवान आए है बजुर्ग आए है क्योंकि लीडर तो एक दो ही होंगे अगे लगन वाले दो चार दस वो सपोर्टर होंगे है बाकी पिंड वाले फिर फॉलो करते हैं जे तुसी उन्हां डेटा कलैक्ट करने से शुरू कर दो पिंड वाइज ब्लॉक वाइज तहसील वाइज ठीक है ये डेटा जो इकट्ठा हो गया तो
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਸੈਕਟਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਡੀਸੀ ਕੋਲੇ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਣੂਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਨਾਂ, ਨੰਬਰ, ਪਿੰਡ, ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਫਲਾਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਲਾਨੇ ਆ, ਆਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਵਕੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਜੱਜ ਹੋ ਗਏ, ਸੂਝਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100-125 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਬਲੋਕ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 3-4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਹੈ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਸੀ ਵੀ ਸੁਣੂਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੁਣੂਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੁਣੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਇਟ, ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਇਟ ਡੈਮੋ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਖੜ੍ਹੇ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿਓ, ਡੀਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਉੱਠ ਬੈਠਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੀ ਥਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੜਨ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਣਫ ਹੋ ਗਈ, ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਵਾਸ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਟਸ ਸੋ ਸਿੰਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰੋਹਿਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਐਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਣ। ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।